भाई सीआईई आपकी परफॉर्मेंस से घबराया हुआ है, जैसे मैच से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। मैच में बदला लेने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में खून उतरा हुआ है, तो आप याद रखो जज्बाती नहीं होना। न्यूजीलैंड वाले चलो कम से कम अच्छे तो लोग हैं ना यार, लेकिन अच्छे तो क्या ऐसे ही छोड़ दें। चलो शुरू करते हैं। दिस इज नॉट योर स्कूल, दिस इज नॉट योर कॉलेज, दिस इज नॉट योर होम। भाई सीआई भी न्यूजीलैंड की तरह ना तगड़ा होकर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको क्या रखना है, आपको भाई शाहीन अफरीदी वाला एटीट्यूड रखना है। देखो आप इस सवाल में हाथी है, उसका एक पाँव जो है ना, एक पाँव का बताया हुआ आपको एरिया नहीं है, सरकमफेरेंस है। प्रेशर से मुतालिक सवाल है, चारों पाँव मिला के जो तकरीबन कुछ जो प्रेशर बन रहा है ना वो आपको निकालना है। अच्छा अभी आपको पता सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr रेडियस आपको दिया हुआ है। सरकमफेरेंस आपको दी हुई है 1.4 मीटर, इससे आप सीधा सीधा रेडियस निकाल लो 0.22 मीटर। अब ये रेडियस निकाल के क्या करना है, आप इसका निकालोगे एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, πr² आ गया। अब ये एक पाँव का एरिया है, आपको चार पाँव का चाहिए तो चार से ज़रब दे दो भाई। पूरा प्रेशर निकालना है तो पूरा प्रेशर क्या बनता है भाई, इसका फॉर्मूला है बीच में ले आओ, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स क्या लग रही है, पूरा जो उसका वजन है, वेट जो है लगेगा यहाँ पे mg, और टोटल एरिया आपने निकाला है यहाँ पे डिवाइड कर लो, इसमें जवाब आ रहा है 8400 ऐसे करके आ रहा है, जो कि तकरीबन आपको बनता है 85 किलो पास्कल। ये प्रेशर का सवाल है, और शाहीन अफरीदी की तरह प्रेशर आपने शुरू से ही रखा है, पहले ओवर में ही आउट हो ना हो अपील पूरी देनी है। अभी आ गया अगले सवाल पे, टोन फॉलम क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब वो कह रहे हैं एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। अब बात ये कि भाई कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो आपकी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। काइनेटिक क्या होती है, ½mv² और v अगर कांस्टेंट है आपका टर्मिनल वेलोसिटी पे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर रहेगी। तो अभी आप बाकी सारे ऑप्शन देखो, थर्मल काइनेटिक जो भी है, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैंने ये पहले से किया हुआ तो मैं आपको बता दूंगी भाई। एयर रेजिस्टेंस तो लग रही है ना, इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी अगर कॉन्स्टेंट है तो बाकी जितनी एनर्जी है वो आपको क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी कम हो रही है। इसका मतलब ये कि वो जो कमी हो रही है वो सारी की सारी गर्मी में बदल रही है, हवा में जो रगड़ है ना वो रगड़ में तब्दील हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थर्मल एनर्जी में। ये दो तो नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा बताया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो तो कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है भाई, बदल थोड़ी रही है। और यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ तो उसका उलट हो रहा है जो कि है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी थर्मल में नहीं ना, बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर है, आप लगे बड़े उसमें यार। भाई आप देखो आप उसी एटीट्यूड के साथ चल रहे हो, आप थोड़ा सा सोचो तो सही यार, विकटें गिरानी है आपको, हारिस रऊफ वाली परफॉर्मेंस देनी है ना, हर मैच का हीरो सेम थोड़ी होता। सीआई आगे बढ़ के छक्का लगाना चाहता है, लेकिन आप इसके फूलों पे मार के विकेट लो और बोलोगे हाँ मार्टिन कब तक। And he's now gone for 17. आगे बढ़ो, अभी देखो आप केन विलियम्स सर आ गए भाई, मुश्किल कर दिया आपकी जिंदगी, आउट भी नहीं हो रहे यार। तो ये छक्का मारने की इन लोग ने कोशिश की है कि भाई 12 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है जो यहाँ प्लेटफॉर्म पे रेस कर रहा है, एक जगह पे टिका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा। दो पिस्टन है यहाँ पे और पिलग शार्ट है। कंटेनर में क्या है, गैस है, और पिस्टन जो है भाई फ्री है एक दूसरे से, जैसे आप लोग फ्री हो जाते हो ना। अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वजन है जो नीचे की तरफ लग रहा है 12 न्यूटन, और ऊपर की तरफ जाहिर है फोर्स है, अगर ये रेस्ट पे तो इसका मतलब है कि फोर्स और 12 न्यूटन बराबर है। लेकिन अभी वो कह ये रहे हैं कि भाई इसको जब अंदर आप पुश करते हो ना 4 सेंटीमीटर इस तरफ, इससे क्या होता है ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ जाता है, और कितना ऊपर जाता है 0.5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। क्यों हो रहा है ये, इसलिए हो रहा है कि भाई पिस्टन से जब आपने यहाँ पे जोर लगाया है तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है ना यार, और वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है क्योंकि आप वर्क कर, वर्क क्या होता है फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। 4 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे पुश किया है, इसको मीटर में अगर कर दूं 0.04 f, इतना आपने काम किया है जो कि इस गैस के ऊपर हुआ है। अब इस गैस के ऊपर जो काम हुआ है ये इस काम में कन्वर्ट हुआ है, इस वर्क में कन्वर्ट हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की वजह से कितना डिस्टेंस मूव हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट तो कहीं नहीं जा रहा। तो प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स और 12 न्यूटन का जो नेट है ना, ये नेट फोर्स है जिसकी वजह से इतना आप आगे जा पा रहे हो, या आप ये समझो कि गैस जो है वो पिस्टन पे इतना काम कर रही है तो आप इतना मूव हो रहे हो, तो आपको फोर्स निकालनी है कि कितनी लग रही है। तो अब जाहिर है कि जितना काम आपने यहाँ किया उतना ही काम यहाँ होगा ना, कहीं और से तो
नाजिल तो नहीं होगा ना यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है यार। तो आप इन दोनों को बराबर कर दोगे और बराबर करने के बाद जब आप कैलकुलेट कर दो 0.583 की फोर्स से जो ऊपर की तरफ लग रही है। लेकिन ये याद रखो सवाल में क्या पूछा, वर्क पूछा है, वर्क फोर्स जरब डिस्टेंस जो मूव हुआ है, मतलब जो प्लेटफॉर्म पे वर्क हुआ है वही ऑब्जेक्ट पे भी वही वर्क हुआ है ना, वही काम हुआ है। तो इस वजह से आपका ये आएगा 0.06 जूल। इसको आप पूरा अगर कर दोगे तो छक्के पे छक्का लग रहा है भाई, परेशानी हुई भी। Chances it? No, he's got it too well. I think it completely... लेकिन अभी बहुत हो गया यार, ये वाला जो सवाल है ना आपको इस तरीके से करना है कि आप लेफ्टिनेंट फखर जमान हो और ये जो सिक्योरिटी की वजह से लोग छोड़ के चले गए थे ना, वो मसला आपने पर्सनली लिया हुआ है यार। कानून नाफिज करने वाले इदारे के तो दिल पे लगेगी ना यार ये बात, लगनी भी चाहिए। ऐसे ही छोड़ के चले गया तो आपको ऐसे कैच करना है इस पे। F एक फोर्स है जो इसके ऊपर लग रही है जिसकी वजह से इतना डिस्टेंस आप आगे बढ़ते हो। सीधा सीधा आ जाते हैं सवाल पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय कार। अब गाड़ी को क्या हो रहा है, गाड़ी आगे भी बढ़ रही है लेकिन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही, जिसका मतलब है ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है। अब पोटेंशियल में क्या होता है कि सिर्फ हाइट का ताल्लुक होता है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है ये एस है, ये एंगल आपको पता है अल्फा, तो आप इसको निकाल लो कि भाई ये एस साइन अल्फा है, ये एस कॉस अल्फा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, एम जी डेल्टा एच, मतलब इसका वजन एम जी जरब एस साइन अल्फा। और फोर्स एफ ने कितना काम किया, याद रखिए आपके भाई फोर्स, याद रखिए फोर्स जरब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो इस डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, एस है, एफ इनटू एस किया आपने, एस और एस कट जाएगा, एम जी साइन अल्फा ओवर एफ है, ये आपका जवाब है और आपने फारिग कर दिया। पाक बहरिया जिंदाबाद। यार इस सवाल में तो सीआईई ने कैन विलियम्स सर की तरह फजूल शॉट खेलने की कोशिश की यार, अब अपील तो कम से कम डालो यार। क्या है पावर की डेफिनेशन, क्या है फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है लेकिन डेफिनेशन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। फोर्स जरा वर्क डन पर यूनिट टाइम, फुदूल बात है, मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा। फोर्स पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये क्या है फुदूल किस्म की बातें कर रहा है, सीधा सीधा जवाब दो भाई, कन्नों से बचे इसको वरना बहुत परेशानी कर सकते हैं। अभी इसमें देखो स्टील बार है, इसके ऊपर एक ही टेंशन लग रही है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। अब आप सोच के दूसरी कैलकुलेशन में मत निकल जाओ यार, यहाँ पे सीआईई सिर्फ आपको बेला वजह परेशान कर रहा है, आपको आउट ऑफ फॉर्म समझ के हर दूसरी टीम की तरह आप पे चढ़ा हुआ, लेकिन आप भी हसन अली हो यार, फारिग इस वाले का स्ट्रेस क्या होगा, एरिया दोनों का आप देख लो, इसका डायमीटर डी है, इसका डायमीटर इसका डबल है, तो स्ट्रेस में क्या होगा, स्ट्रेस में सिर्फ आपको फोर्स अपॉन एरिया करना है, फोर्स तो दोनों पे बराबर है, तो आप सीधा सीधा ये कर लो भाई, आपको ये पता है पाई डी स्क्वायर बाय फोर, ये बनता है आपका एरिया, और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके यहाँ पे डायमीटर क्या है 2d/2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है d है, तो यहाँ पे d रखा आपने, और इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर लेते हो जब, तो ये पाई डी स्क्वायर बाय 4 ऊपर चला जाता है, ये नीचे ही रहता है, पाई डी स्क्वायर कट जाता है, आपके पास बचता है 1/4 जो कि बनता है 0.25। ये वाला सवाल तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। दो गिटार की स्ट्रिंगे हैं जिनके ऊपर फोर्स लग रही है, ये एक स्ट्रिंग है जिसके ऊपर एफ की फोर्स लगती है तो एक्सटेंशन होती है एक्स, दूसरी स्ट्रिंग जो है उसको 2f से खींचते हैं आप तो 2x की एक्सटेंशन होती है, मतलब सीधा सीधा है, f is equal to kx, अगर आप लगाओ k आपका क्या आ रहा है, k आ रहा है f/x। अब स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ एफ एक्स, के की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहो तो के एक्स स्क्वायर से भी कर सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जवाब यही आएगा आपका, हाफ एफ एक्स ये कट गया, हाफ ये कट गया, एफ कट गया और एक्स कट गया, बचा गया 1/4 बच गया। ये सवाल आप इतना आसानी से कर लो जैसे कोन में गई केक्स। लाइट का सवाल है और फिलिप्स की विकेट है। दो लेजर लाइट है वैक्यूम में, एक लेजर रेड है एक ग्रीन है, इन दोनों की क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए भाई, एम्पलीट्यूड का कोई असर नहीं पड़ता, इंटेंसिटी स्पीड का कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, और ये समझने के लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो आप देख लो। फिलिप्स फॉर 13 अलर्ट हसन रऊफ।
दो पार्टिकल ने प्रोग्रेसिव वेव में डिस्टेंस है इनका आपस में 10 सेंटीमीटर और ये दो ग्राफ आपको दिखा रहे हैं कि भाई दोनों पार्टिकल की अलग अलग क्या डिस्प्लेसमेंट बन रही है और ये टाइम के अगेंस्ट है कि टाइम के साथ साथ ऐसा कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख लो, जाहिर है कि दो पार्टिकल है एक ही वेव पे तो एम्पलीट्यूड तो दोनों का बराबर ही होगा ना यार। लेकिन आप देखो टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम पे मतलब इसके बाद नीचे जाने शुरू होगा, ये पार्टिकल अपने मिनिमम पे मतलब यहाँ से ऊपर जाने शुरू होगा। इस सवाल में ना सीआईई ये जो सिफर सिफर जो क्रिकेटर है ना इसकी तरह घुमा के लंबा शॉट मारना चाह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा। ये बात समझने के लिए आप एक वेव को देखो पहले तो, ठीक है। इस वेव पे अगर मैं दो पार्टिकल ले लेता हूँ ए और बी जिनका 10 सेंटीमीटर का आपस में फासला है और ऐसा हो रहा हो कि ए जो है वो टॉप पे हो बी जो है वो बॉटम पे हो, तो ये टी इज इक्वल टू जीरो पे ये सूरत हाल है, ये दो पार्टिकल है 10 सेंटीमीटर के बीच में इनके फासला है। तो अभी आप ये सोचो कि अगर ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है जिसमें एनर्जी अगर यहाँ जा रही है तो वेव ऐसे ऐसे चलती है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि भाई पॉइंट ए जो है वो तो आपको नजर आ रहा है कि ये क्रेस्ट है और पॉइंट बी क्या है ट्रफ है उसके अगले ही वाला और इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का फासला होता। और अगर वेव है तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी भी यहाँ जा रही है, वेव के जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि पॉइंट ए पे कंप्रेशन होगी, ज्यादा प्रेशर होगा और पॉइंट बी उसके ही अगली वाली जहां पे प्रेशर सबसे कम होता है। अब आप ऑप्शन में देख लो कि क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और नियरेस्ट रिफ्लेक्शन में 10 सेंटीमीटर का फासला, बिल्कुल यही हमारा जवाब है। और बाकियों में अगर आप देखो 20 सेंटीमीटर का फासला तो कंप्रेशन में है ना, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन में 10 सेंटीमीटर का फासला है। इसी तरह पीक और ट्रफ के बीच में 20 सेंटीमीटर नहीं है 10 सेंटीमीटर फासला है, अभी देखा अपन लोग ने। दो एडजेसेंट पीक 10 सेंटीमीटर, नहीं भाई पीक और पीक के दरमियान तो 20 सेंटीमीटर है ना यार, यही तो है कि यहाँ घुमा के शॉट मारने की कोशिश कर रहा है इसका ये सिफर क्रिकेटर की तरह। लेकिन आप देख लो ध्यान से, अगर नहीं करोगे तो चक्का भी हो सकता है, पासा पलट जाएगा भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। साउंड वेव है जिसको माइक्रोफोन से आप पकड़ लो और जो कि सीआरओ से अटैच है। सीआरओ में कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती, पता नहीं क्यों घबराते हो आप लोग। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा टाइम होता है, हमेशा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये जो एक डिवीजन है, एक डब्बा है, इसमें कितना टाइम गुजर रहा है, तो इस एक डब्बे में कह रहे हैं 20 माइक्रोसेकंड गुजर रहा है। आप फ्रीक्वेंसी बता दो, फ्रीक्वेंसी के लिए आपको टाइम पीरियड पता होगा तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना। तो टाइम पीरियड के लिए आप देखो कि एक वेव कैसी बन रही है। अगर आप यहां से शुरू करते हो, अब ये आपको पता नहीं है कि यहां पे 0 है 1 है क्या है, क्योंकि बीच में कहीं से शुरू हो रहा है और ये यहां पे खत्म हो रहा है, इससे तो नहीं पता लग रहा भाई। चलो अगर यहां से भी शुरू करते हैं, यहां से एक वेव आपकी ऐसे बन रही है, नहीं पूरी नहीं बन रही, ये एक से कम है, तो क्या करें फिर, कैसे इस मुल्क में रहे? फिर भाई ऐसा करो कि ये देखो यहाँ पे जिस तरह मिल रही है और यहाँ तक जा रही है, कितना बनता है? अव्वल तो ये कि ये डेढ़ वेव है, कैसे है दोबारा दिखा देता हूँ, ये एक वेव और ये आधी वेव, और ये कितने में हो रहा है, 1 2 3 4 5 डब्बों में डेढ़ वेव आ रही है। तो डेढ़ वेव जो है 5 डिवीजन है, एक वेव कितने डिवीजन में होगी, 5 को डेढ़ पे तकसीम कर दो, 3.33 डिवीजन की एक वेव है जो कि आपको तकरीबन नजर भी आ रहा है। एक डिवीजन कितना है, 20 माइक्रोसेकंड है, तो 3.33 क्या होगा, जरब दे दो आप, 66.7 आ रहा है। और इसका आप इन्वर्स जब लोगे, माइक्रोसेकंड है याद रखना, माइक्रोसेकंड है, जब इन्वर्स लोगे 15,000 हर्ट्ज आ रहा है, ये आपका जवाब है। इस जवाब पे सैनिटाइजर लगा के सीआई को ऐसे खत्म कर दो जैसे सैनिटाइजर की विकेट लिए। किसने लिए भाई, हारिफ भाई ने लिए अपने, यार हारिफ भाई ने किया दिया। अगले बात है पर्सन स्टैंडर्ड साइड स्टेशन, भाई सवाल आप पढ़ लो, मैं इसकी डायग्राम वगैरह जब तक बना लूं हो गई। तो भाई ये बंदा खड़ा हुआ है, इसकी तरफ ट्रेन आ रही है, इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई दे रही है, 1690 हर्ट्ज़। फिर जब ट्रेन इससे दूर जाती है तो इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई दे रही है, 1500 हर्ट्ज़, यानी F2 हो गया 1500 हर्ट्ज़। फोर्स की फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए होगी, देखो डॉपलर इफेक्ट सीधा सीधा लग रहा है, डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या है कि फोर्स की फ्रीक्वेंसी का कुछ फ्रैक्शन आपको सुनाई दे रहा है। जब ट्रेन करीब आ रही है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होना चाहिए ना, बड़ा होने का मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, छोटा तभी होगा जब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। इसी तरीके से जब ट्रेन दूर जा रही है तो इस लड़के को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कम होगी ना, कम कैसे होगी, जब इसका डिनोमिनेटर जो है उसमें प्लस हो रहा हो। ये डॉपलर इफेक्ट में फॉर्मूला इस तरह चूज करते हो आप। स्पीड ऑफ साउंड एयर में बताई हुई 340/340 -VT और ये आपने कर लिया, सारी वैल्यू यहाँ पे डाल दी, ये देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है। सोर्स फ्रीक्वेंसी तो दोनों के लिए बराबर है ना, ट्रेन तो वही आवाज निकाल रही है, आपको अलग सुनाई दे रही है वो एक अलग बात है। तो आपने दोनों को बराबर किया और इस तरह बराबर करते हुए आपने ट्रेन की स्पीड निकाल ली जो कि आ रही है 20.3 तकरीबन 20, इसका आंसर है। ट्रेन का हॉर्न कैसे चलता है,
अभी लेकिन याद रखो, आपने अगर आगे पीछे कर दिया तो इस तरह है जैसे बाबर सर ने फजूल शॉट खेला था इसमें। आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो यार, कैसी हरकतें करो बाबर सर। आप तो आजम हो यार, आप तो ऐसे नहीं करो यार, दिल दुखता है देख के। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। कप्तान चला जाएगा, क्या होगा बाकी टीम का यार, ऐसे थोड़ी होता है। फ्रीक्वेंसी इन्होंने कहा है कि कम हो रही है, तो कम होने के लिए आप सीधा सीधा जो इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम में आपने रटा हुआ है ना, उस पर आप देख लो कि फ्रीक्वेंसी कैसे कम हो रही है। पहले आना चाहिए गामा, गामा के बाद अल्ट्रा, फिर इंफ्रावायलेट, बी इसका जवाब है भाई। सीधा सीधा सवाल है, इस पे तो आप लेफ्ट हैंड साहब की तरह लंबा लंबा छक्का दे। What a crunching blow that is. Oh, that's over the stand. अच्छा यहाँ तो जवाब लिखूं। अभी देखो सवालों का भी मिडिल ऑर्डर आ गया है, वीडियो का भी मिडिल ऑर्डर आ गया है, बैटिंग में भी मिडिल ऑर्डर आ गया है, कप्तान साहब फारिग हो गए हैं। पेपर का मिडिल ऑर्डर आपको उसी तरह जिम्मेदारी से निकालना है जिस तरह श्वेत सर कप्तान की कमी पूरी करते हैं यार। जज्बात और आसाब कंट्रोल में रखनी है जैसे मैंने रखे हुए, अगर कंट्रोल नहीं रखोगे तो आप रिव्यू पे आउट भी हो सकते हो यार, लेफ्ट हैंड साहब की तरह। यहाँ पे देखो पाइप है, इसकी ये लंबाई आपको बताई हुई है। अब आपको ये देख सकते हो कि एक एंटी नोड है, एक नोड है, सबसे छोटी वेव जो बन रही है वो यही बन रही है ना यार। और यहाँ बताया हुआ भी है एंटी नोड ओपन पे और क्लोज पे नोड होगा, ऐसी बनेगी तकरीबन। इसका मतलब ये है कि एक चौथाई वेव आपकी यहाँ पे आ रही है। अब वो ये कह रहे हैं कौन सी वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ कितनी हो वेव की जिससे आपको एक स्टेशनरी वेव बनती हुई मिलेगी। अब ये एक एंड क्लोज एक एंड ओपन पे आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2n+1 जरब वी अपॉन 4l। और चूंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v बटा लेमडा, तो v बटा लेमडा इसको आप इक्वेट कर दोगे, v और v कट जाएगा, ये लेमडा आपके पास आ जाएगा 4l बटा 2n+1। और आपको सबसे छोटी स्टेशनरी वेव देखनी है तो इसलिए आप क्या करोगे, n आप 1 डालोगे तो लेमडा आ जाएगा 4/3l। और ये आपका जवाब है, सही है भाई, थोड़ा सा संभल के। नहीं समझ में आए आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लो, कोई मसले की बात नहीं है, नोट्स भी खोल के आप देख सकते हो। अभी सवाल नंबर 27 है। अभी जो पाकिस्तानी टीम है ना, इसके दो कप्तान है, बाबर सर तो है लेकिन शुएब सर सीनियर खिलाड़ी होने के नाते जैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं वैसे ही आपको पेपर को हैंडल करना है। इधर मिडल में डिफ्रेक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं पूछी है, इसमें कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि भाई डिफ्रेक्शन क्या है, आपको गैप मिलेगा तो गैप में छक्का जाएगा सीधा सीधा, जैसे ये शुएब सर मारते हैं। This is high, hard, handsome, miles from Malik. बल्कि शुएब सर तो गैप भी नहीं ढूंढते यार, वेव को ऐसे बेंड होना होता है, ये डिफ्रेक्शन कहलाता है। जितना छोटा खाना होगा उतनी ज्यादा डिफ्रेक्शन होगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डिफ्रेक्शन ज्यादा नहीं हो रही, डिफ्रेक्शन कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। स्लिट का साइज अगर इतना होता ना तो शायद ऐसी बनती भाई। यहाँ पे तो वेवलेंथ ही चेंज हो रही है, डिफ्रेक्शन में कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि वेव जो है वो ऐसे ऐसे फंस के ना ऐसे ऐसे करके निकल आती है। तो यहाँ तो वेवलेंथ ही चेंज हो रही है, ये भी जवाब नहीं होगा। और यहाँ तो डिफेक्शन हो ही नहीं रही, कट रही है वेव, ऐसे थोड़ी होता भाई, क्या हो गया, छुरियां थोड़ी है, सिलेट है। बी में आप देख सकते हो कि इंतहाई सफाई सुथराई से ऐसे करके ये बेंड हो रही है, गोलाई में जा रही है, छोटे वाले खाने में से निकल के फैल रही है। इस तरह आपने शुएब सर की तरह लंबा छक्का देके प्रेशर हटाया है अभी। अच्छा भाई अगला सवाल है, शुएब सर ने आपको सिग्नल दे दिया कि लंबे लंबे लपाड़ने, आप आसिफ अली बन के आए हो, अगले सवाल पे तो सीधा सीधा छक्का बनता है क्योंकि सवाल ही क्या है, कोहेरेंट का क्या मतलब है, इतनी लंबी कहानी सवाल इतना, तो कोहेरेंट क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। कोहेरेंट का मतलब ये है कि फेस डिफरेंस आपस का कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। ये लंबे छक्के की तरह आपने ये किया और आप आगे आ जाओ। अच्छा अभी मैच के हिसाब से थोड़ा सा ऑर्डर आउट हो रहा है, लेकिन ये सवाल ना थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप ध्यान से खेलो, वरना चाहे आप प्रोफेसर भी हो ना, आगे सीआई भी कॉनवे की खूबसूरत कैच की तरह आपको आउट कर सकता है। एक बीम है जिसमें 420 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ है और 630 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, और ये डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग पे सीधा पड़ रही है, ऐसे करके ये बनना चाहिए है ना, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि दो जो वेवलेंथ है ना, इनके जो मैक्सिमा है, जो लाइट यहाँ पे आनी है ना, वहां पे सिर्फ 31 डिग्री पे ऐसा हो रहा है कि ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, बाकी कहीं पे नहीं मिल रहे। तो अब ये कौन सी लाइन स्पेसिंग पे ऐसा हो सकता है, तो अब देखो भाई डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। दोनों जो वेवलेंथ है उसके लिए आपने अलग अलग फार्मूला लगाया, इसमें आपको पता लगा कि डी तो आपको पता है कि सेम होगा, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग थोड़ी बदल ली है। डी साइन 31 दोनों बराबर है, जिसका मतलब ये है कि एन1 लैम्डा 1 एन2 लैम्डा 2 एक
जगह पे यानी 31 डिग्री पे दोनों बराबर हैं। इसी वजह से तो ओवरलैप हो रहे हैं ना, इसी वजह से मैक्सिमम मिल रहा है आपको यार। तो जब n1 लैम्डा 1 और n2 लैम्डा 2 को जब आप बराबर करते हो तो क्या होता है, n1 बटा n2 बराबर होता है लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 के, और जब आप इन दोनों का रेशियो लेते हो तो ये आता है 3/2, जिसका मतलब ये कि आप पूरा टेबल बना सकते हो। तो ऐसा है कि भाई जब ये नीला वाला जो कि मैंने 420 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ ली है, 420 वाले की जो पहली मैक्सिमम है उस पे n2 क्या बनता है 2/3 बनता है, दूसरी जब इसकी होती है तो ये क्या बन जाता है 2 ज़रब 2/3, है ना भाई 4/3। तो जब ये 3 पे आता है तो 3 पे आप देखते हो कि n2 जो है वो 2 के बराबर है, जिसका मतलब ये है कि 420 वाले की तीसरी फ्रिंज और 630 वाले की दूसरी फ्रिंज जो है बराबर है। तो अब आप चाहो तो ये 630 वाली इस्तेमाल कर लो और इससे d निकाल लो, तो यहां पे n2 क्या लगेगा 2 लगेगा, या फिर आप चाहो तो 420 वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा n, यहाँ पे 3 लगेगा, और इस तरीके से आपके पास d का जवाब आ जाता है 2.4 माइक्रोमीटर। ध्यान से खेलना है, दिमाग लगा के खेलना है, वरना आपका भी वही पाकिस्तानी फैन वाला हाल होगा कि आउट पे गुस्सा तो हो रहा है लेकिन कैच है ही इतना खूबसूरत कि तारीफ भी करनी पड़ रही है। एक दफा और देखो यार। जितनी मेहनत ये कर रहा है उतनी मेहनत आपने कर ली ना, आपका एक कहीं नहीं गया। और अभी अगला सवाल है, ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, तो फील्ड ऐसे ही जा रही होगी ना यार। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक तो ये कि इसको कॉन्स्टेंट फोर्स मिल रही होगी, तो क्या हो रहा है भाई पी क्या करेगा, पी को आप यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ यूं ले जाओ वैसे ले जाओ कहीं पे भी ले जाओ, जब तक फील्ड के अंदर मौजूद है उसके ऊपर वही की वही फोर्स लगेगी। आप आसिफ अली की तरह खत्म करो मैच यार, मैं भी ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ, बहुत हो गई यार। What about down the ground for six? And in half a dozen more. Out towards long.